तो ये हमारे पास मोबाइल है कि ये 1174 नोकिया 105। तो हमने क्या करना है, एवेंजर के साथ इसकी जो फाइल हमने रीड करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी हम जो है ना इसके फ्लैश पैक करेंगे एवेंजर के साथ। मैं इसका जो विंडो है वो ओपन करता हूँ। जैसे कि ये विंडो जो है मैं ओपन करता हूँ इसकी, तो इसमें हमने जो है एवेंजर के साथ इसको जो है हमने इसकी फ्लैश फाइल रीड कर दी। देखिए एवेंजर ओपन हो गया और हमने जो है ये फ्लैश में जाना है। ये हमने मॉडल सेलेक्ट करना है नोकिया जो है कंपनी उसकी। उसके बाद ये देखें नोकिया 105 11 जो है हमें इसकी फाइल रीड कर दी। पहले हम बूट इनको करेंगे इसे, ये देखें ये बूट इनको करेंगे। बूट इनको करेंगे 7 प्रेस करके। तो देखें ये बूट कर गया और जो टोटल जो डिटेल है वो इसमें बता दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से लॉग में जाके इससे हमने ये जम फुल फ्लैश हमने ये जो है इसको इसके जम का जो है वो फुल बाईपास। हमने फिर इसमें देखिए ये इंटर बैकअप फाइल जो है हमने सेव करनी है। ओके खुद बस खुद जो है ना सेव हो जाएगी। ये मैंने सेम दबा के रखा है। ये इसकी जो फाइल है बैकअप जो है इसका रीडिंग फ्लैश पे। तो एवेंजर के साथ बहुत ही आसानी से आप जो है नोकिया 105 ta1174 को फ्लैश भी कर सकते हैं, इसमें रीड भी कर सकते हैं। ये देखें इसका जो बैकअप है वो रीड हो रहा है। ये रीड हुआ है जहाँ कि उसने बताया है कि यहाँ पर ये रीड हुआ है। न्यूज़ चैनल मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।